यहाँ मेहनत कम करती थी और राजनीति लाभ ज्यादा नहीं जाता। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज सुबह सुबह ब्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि आज हम जा रहे हैं चंबा और चंबा में आ रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आप बने रहें ब्लॉग में, मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वो कितने लोग होते हैं। और ये गाइस आप देख सकते हैं गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन है, वो दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही हैं चारों तरफ से। तो ये देखिए गाइस, तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको चंबा जा कर के। ये गाइस हम चंबा में पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है। और देख सकते हैं अभी तो हम चुगान में नहीं पहुँचे हैं, तो चुगान में कितने आदमी होंगे, चलो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ जा कर के। तो देखिए गाइस हम चुगान में पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं आप कितने लोग हैं यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं गाइस। तो थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आगे इससे आगे कितने ज़्यादा लोग हैं। तो देखिए गाइस चारों तरफ कितने ज़्यादा लोग हैं, सारा चुगान जो है वो फुल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और राजनीति लाभ ज्यादा नहीं जाता, दुर्गम क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, वहां सुविधाएं सबसे अंत में पहुंचती, सबसे ज्यादा जरूरत हो इन्हीं क्षेत्रों ₹8,000 करोड़ नए फलाने प्रोजेक्ट में काम शुरू कर दिया। अब मांगने के लिए भीड़ लगाते नहीं है, अब दिल्ली में वो हक जताते हैं और हमें आदेश देते हैं। और दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया, मैं चंबा को विशेष बधाई देता हूँ, यहाँ के सरकारी मुलाजिम को भी बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने देश के सामने इतना बड़ा काम कर दिया है। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया, सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला ये दिखाता है। के लिए अपने सामर्थ्य से
संपूर्ण भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए हम सब हिमाचल वाले हृदय से आभारी हैं आपकी। विकास के स्वर्णिम लेख से स्वर्णिम हिमाचल के दरबार पर नई गति नई ऊर्जा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब हृदय से आभारी हैं आपके। हमें वंदे भारत के विश्वास के साथ विकास पथ पर गति से आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब आभारी हैं आपके। बहुत आभार आप सभी का मेरे और सज्जनों। विकास का ये जो अखंड यज्ञ आरंभ हुआ है आइए हम सब भी इसमें अपने विश्वास सुखी निरंतरता उभरता रहे और एक उज्ज्वल भारत के निर्माण में अपने पूरे प्राणबंध लगा रहे। आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे आप सबका आभार जताते हुए अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। आप सबका आभार। नमस्कार। गाइज तो आज का ब्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिले। और ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।